भारत देश की सबसे बड़ी पब्लिक गवर्नमेंट सर्विस यानी कि इंडियन रेलवे, जिसका मालिकाना हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त नेटवर्क है, जो सालाना करीबन 8 बिलियन पैसेंजर और 1.2 बिलियन टन ट्रांसपोर्टेशन के साथ 1.2 मिलियन एम्प्लॉय प्रदान करने वाला दुनिया का आठवां सबसे बड़ा इंडियन रेलवे है और दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय प्रदान करने वाला यूनाइटेड स्टेट का वॉलमार्ट है। इंडियन रेलवे का नेटवर्क पूरे देश में 1,26,511 किलोमीटर ट्रैक में फैला है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत देश के 75% इंजन इलेक्ट्रिक बेस पर है, जबकि 25% फ्यूल बेस पर। सरकार ने 2022 तक सारे रेल इंजन को इलेक्ट्रिक बेस पर करने के लिए 35,000 करोड़ के खर्च करने की योजना बनाई है, लेकिन इसके लिए सरकार को 30 बिलियन यूनिट की आवश्यकता होगी। भारत देश में 7,325 रेलवे स्टेशन, रोलिंग स्टॉक में करीबन 2,93,077 माल डिब्बे, 76,608 पैसेंजर डिब्बे और 12,729 लोकोमोटिव शामिल हैं। लोकोमोटिव यानी रेल इंजन। लोकोमोटिव एक लैटिन वर्ड है जो लोकस और मोवरी से बना है, जिसका मतलब अपनी शक्ति से एक जगह से खींचकर दूसरी जगह ले जाना होता है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे की हिस्ट्री की। तो इंडियन रेलवे की शुरुआत होती है सन 1832 में, जब इंडियन रेलवे का पहला प्रस्ताव मद्रास में रखा गया। उसी के साथ भारत देश की पहली रेलवे सन 1837 में मद्रास के रेड हिल से चितेंद्रपेट ब्रिज तक चली थी। इसे विलियम एवरी द्वारा निर्मित किया गया था और ये ट्रेन एक रोटरी स्टीम इंजन से खींचा गया था। तब इस रेल का उपयोग बड़े बड़े पत्थर ले जाने के लिए किया गया था। इसके बाद सन 1845 में गोदावरी डैम बनाने के लिए भी इसी तरह ट्रेन का उपयोग किया गया था। ये भारत देश की पहली ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन थी, जो सिर्फ माल सामान परिवहन के लिए ही इनका उपयोग किया जाता था। इससे पहले 16वीं सदी में बिना इंजन वाली रेल, जिसे घोड़े से खींचकर माल सामान ले जाने के लिए उपयोग किया जाता था। 16 अप्रैल 1853 का वो ऐतिहासिक दिन, जब भारत देश की पहली पैसेंजर ट्रेन वेस्ट इंडिया में बोरी बंदर से बांद्रा के बीच चली थी, जिनको द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित किया गया था, जिनमें 3 इंजन जोड़े गए थे, सिंध, साहिब और सुल्तान, जो 57 मिनट में 34 किलोमीटर तक चली थी, जिनमें 14 डिब्बे और 400 पैसेंजर सवार थे। इस ट्रेन को लॉर्ड डेलाउसी द्वारा समर्पित किया गया था। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी को 1 अगस्त 1849 के दिन यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट ने ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी अधिनियम 1849 द्वारा शामिल किया गया था। इस कंपनी का शेयर कैपिटल 50,000 पाउंड था। 21 अगस्त 1849 के दिन इस कंपनी ने बॉम्बे में स्थित खानदेश और बरार से जुड़ने वाली एक 56 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया था और ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर किया था। स्कॉटिश एंड द सदर्न रेलवे इन द 16 इयर्स बिफोर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 द बिग फोर सेट अबाउट द ट्रेमेंडस। उसके बाद सन 1954 में भारत देश का पहला रेलवे पुल का निर्माण थाने की खाड़ी के ऊपर बना गया। ये ट्रेन वेस्ट इंडिया की पहली ट्रेन थी, जबकि ईस्ट इंडिया की पहली ट्रेन 15 अगस्त 1854 के दिन कोलकाता के पास हावड़ा से हुगली तक 39 किलोमीटर तक चली थी। उसके बाद साउथ इंडिया की पहली ट्रेन 1 जुलाई 1856 में रोयापुरम से वलाजबाद के बीच 97 किलोमीटर तक चली थी और नॉर्थ इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन 3 मार्च 1859 में अलाहाबाद से कानपुर के बीच चली थी। उस समय ये सारी ट्रेन स्टीम इंजन से संचालित थी, जिनमें बड़ी मात्रा में कोयलों का उपयोग होता था, जिससे पर्यावरण में भी कुछ हद तक नुकसान होता था। उसी के चलते 3 फरवरी 1925 के दिन भारत देश की पहली इलेक्ट्रिक बेस पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। ये ट्रेन भी द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी द्वारा संचालित थी और दुनिया की पहली बिजली पर संचालित ट्रेन 1837 में रॉबर्ट डेविडसन द्वारा बनाई गई थी। 14 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान का बंटवारा होते
रेल गेज से वो इन दोनों देशों के बीच बात कर रेल लाइन को बंद कर दिया गया। लेकिन 22 जुलाई 1976 के दिन इन दोनों देशों के बीच आपसी समझौते से इस लाइन को फिर से चालू करके इन दोनों देशों के बीच समझौता एक्सप्रेस को चलाई गई। लेकिन कश्मीर और आतंकवाद मुद्दों के चलते 8 अगस्त 2019 के दिन फिर से इस लाइन को बंद कर दिया गया। सन 1991 में इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण होने के साथ रेल के सभी डिब्बों में रोशनी, पंखे और टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उसके बाद 1956 में भारत देश की पहली फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन हावड़ा और दिल्ली के बीच चलाई गई। इन दौरान इंडियन रेलवे तेजी से आगे बढ़ ही रहा था, तभी 8 मई 1976 के दिन इंडियन रेलवे के 17 लाख एम्प्लॉइज ने एक साथ गवर्नमेंट के सामने 20 दिनों तक की लंबी स्ट्राइक चलाई थी। ये स्ट्राइक भारत देश की सबसे लंबी स्ट्राइक मानी जाती है। इस स्ट्राइक को ट्रेड यूनियन के नेता जॉन फेंडानिस लीड कर रहे थे। इस स्ट्राइक की मांग थी कि ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की नौकरी और पगार बढ़ाने की मांग को लेकर इस स्ट्राइक को चलाई गई थी, जो 28 मई 1974 को 20 दिनों के बाद खत्म कर दी गई। सन 1986 में पहली बार न्यू दिल्ली में कंप्यूटराइज्ड टिकट और रिजर्वेशन की शुरुआत की गई। इससे पहले टिकट मैनुअल स्टैम्प से बनाई जाती थी, लेकिन ज्यादातर बड़े रेलवे स्टेशन पर यात्री की लंबी लाइन के चलते सन 1990 में भारत देश का पहला सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन SPTM पेश किया गया। और इसी साल स्टीम इंजन से चलने वाले सारे इंजन को बंद करके फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी पर चलाए जाने वाले इंजन की शुरुआत कर दी गई। उसके बाद इंटरनेट के बढ़ते दौर में सन 2000 में इंडियन रेलवे की वेबसाइट चालू कर दी गई और 2 साल बाद यानी कि सन 2002 में ऑनलाइन टिकट देने की भी शुरुआत कर दी गई। बांग्लादेश और इंडिया के बीच हफ्ते में 4 बार कोलकाता से ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है और हफ्ते में 1 बार बंधन एक्सप्रेस चलती है। नेपाल और भारत देश के बीच नेपाल सरकार द्वारा संचालित 39 किलोमीटर की लंबी रेक्सोल और अमलेखगंज की लाइन थी, जो मुख्य रूप से लकड़ी के परिवहन के लिए 1927 में बनाई गई थी। इस लाइन को 1965 में त्रिभुवन राजमार्ग खुलने के साथ ही बंद कर दिया गया था। लेकिन सन 2004 में दोनों देशों के बीच आपसी समझौते से फिर से इस लाइन को खोला गया। भारत पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेन संचालित थी, पहली दिल्ली लाहौर के बीच समझौता एक्सप्रेस और दूसरी जोधपुर कराची के बीच थार एक्सप्रेस। लेकिन 8 अगस्त 2019 में कश्मीर के मुद्दे और आतंकवादी गतिविधियों के कारण ये दोनों लाइनों को बंद कर दिया गया। भारत भूटान के बीच न्यू जलपाईगुड़ी और अलीपुर डोर के बीच 18 किलोमीटर की लाइन की योजना बनाई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इस योजना को बंद कर देना पड़ा। भारतीय रेलवे भारत देश की सबसे बड़ी पब्लिक गवर्नमेंट सर्विस होने के साथ साथ ये दूसरे परिवहन के मुकाबले काफी सस्ती, किफायती और तेज परिवहन है, जो सालों से सभी नागरिकों के लिए अच्छे से अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।